हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स कुकिंग और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार। तो आज के वीडियो में रेडी करने वाला हूं कद्दू की बर्फ़ी। तो कद्दू की बर्फ़ी बनाने के लिए मैं कद्दू यूज कर रहा हूं, तो मैंने 1 kg कद्दू लिया है और 600 ग्राम मैंने चीनी लिया है, थोड़ा सा मिल्क पाउडर यूज कर रहा हूं तो 100 ग्राम और थोड़ी सी इलायची यूज कर रहा हूं। तो बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर रेडी होगी, तो मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कद्दू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो इस तरीके से साफ करके कद्दू को कद्दूकस कर लें। तो फ्रेंड्स, एक कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ाया हुआ है और अब इसमें अपना कद्दूकस किया हुआ कद्दू ऐड करेंगे। तो कद्दू को लगातार चलाते हुए इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो हमारा जो कद्दू है उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए, क्या करना है, आप अपने चीनी ऐड कर लेते हैं। तो चीनी ऐड करते ही हमारा जो कद्दू था वो लिक्विड जैसा हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर इसको लगातार चलाते हुए इसी तरीके से पकाना है। तो ये लगभग 25 से 30 मिनट में पक जाएगा हमारा जो कद्दू है बहुत ही अच्छी तरह से, और जो पानी इसमें दिख रहा है ये पानी भी जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अच्छा सा कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बूंदी वाला रेड कलर यूज़ किया है, तो आप चाहें कोई और येलो कलर भी दे सकते हैं। तो हमारे कद्दू की बर्फी जो हल्की सी रेड हो गई है। तो हमारा जो कद्दू और चीनी का मिश्रण था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो आप देख सकते हैं इसको। आप यहाँ पे एक बहुत चेंजेस करना है, थोड़ा सा एक चेंजेस क्या ट्रिक समझ लीजिए इसको, कि यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ इसको बहुत ही स्वादिष्ट करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा देसी घी यूज़ करना है, लगभग 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड करना है, तो हमारा जो कद्दू है वो फ्राई हो जाएगा। वो 3 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसके बाद कद्दू को लगभग 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। यदि हम घी ऐड नहीं करते तो ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट नहीं करता। और इसका जो पानी है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो कद्दू की बर्फी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आपने देखा अभी मैंने इसमें कुछ आइटम ऐड नहीं किए हैं, तो बिल्कुल फ्राई कर लिया है इसको। तो चलिए मैं गैस को बंद कर देता हूँ। थोड़ी देर इसको हम ठंडा करेंगे, तो इसी तरह लगातार चलाते हुए। और इलायची का मैंने इलायची पाउडर रेडी कर लिया है, तो इलायची पाउडर ऐड करेंगे अब। और जो मैंने मिल्क पाउडर लिया था, तो 100 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1 kg मैंने पंपकिन यूज़ किया था यहाँ पर, तो 100 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर रहा हूँ। मिल्क पाउडर क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं आप चाहें तो, और मावा भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास मावा है तो। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमारा जो कद्दू की बर्फी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसको, मैंने एक मिठाई का डिब्बा लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेता हूँ। तो घी को अच्छी तरह से हम चारों तरफ लगा देंगे। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इसमें। तो मैंने एक लेयर बना लिया है इसकी। तो अब यहाँ पर मैंने नारियल यूज़ कर रहा हूँ, ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है, और कुछ बादाम को मैंने पीसेज में काटा हुआ है, तो उससे हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी कद्दू की बर्फी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो लगभग 30 मिनट में ये हमारी ठंडी हो जाएगी, फिर इसके हम पीसेस काटेंगे। तीस मिनट हो गए हैं और हमारी जो कद्दू की बर्फी थी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो चलिए इसके पीसेस काट लेते हैं। पीसेस आप किसी भी साइज़ के काट सकते हैं, छोटे बड़े, आपको जिस साइज का पसंद हो। और अभी ये इसके पीस बाहर नहीं निकलेंगे, तो ध्यान रखना है कि अभी सिर्फ पीस काट के छोड़ देना है। और लगभग 2 घंटे बाद जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी हमारी है, तो इसके पीसेस हम अलग कर सकते हैं। तो सारे पीसेस मैंने कर लिए हैं धीरे धीरे। और अब आप भी एंजॉय कीजिए इसी तरीके से रेडी करके। तो इसका एंड वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगा किसी कारण बस। तो आप इसी तरीके से रेडी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए कि आपकी कद्दू की बर्फी कैसी बनी। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।